ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद हैं मुमरा बाईपास पर। अभी कुछ ही दिन हुआ है इस मुमरा बाईपास को उद्घाटन हुए और सभी नेता इस बाईपास के उद्घाटन में कूद पड़े थे और अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि इस बाईपास का उद्घाटन मैंने किया है। लेकिन बारिश की शुरुआत में ही मुमरा बाईपास का क्या हाल है हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मुमरा बाईपास का हाल हुआ है। यहाँ पर जो अभी जिस तरह से इस मुमरा बाईपास का निर्माण हुआ है, उस निर्माण को लेकर भी इसमें सवाल उठते हैं कि जिस तरह से इस बाईपास का निर्माण हुआ है, क्या इसमें किस तरह का मटेरियल मिलाया गया था, किस तरह से जो है यहाँ पर लोहे की रॉड बाहर निकली है और ये जो यहाँ से बाइक सवार गुजरते हैं उनके लिए ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है। वैसे भी मुमरा बाईपास पर लगातार हादसे होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आपको कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि दिखाएं किस तरह से इस बाईपास पर गड्ढे हो गए हैं और इस निर्माण में जो लोहे की सरिया इस्तेमाल की गई थी वो सरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लगातार जिस तरह से ये 24 घंटे बाईपास इसी तरह से चलता रहता है, यहाँ से बाइक सवार गुजरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं और हादसों की भी खबर आती है। लेकिन ऐसे में बारिश के मौसम में जिस तरह से ये गड्ढे यहाँ पर हुए हैं लगातार, यहाँ पर ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये कोई दो ही गड्ढे इस बाईपास पर नहीं है, हम आपको इस बाईपास पर इसी तरह के और भी बड़े बड़े गड्ढे हम आपको दिखाते हैं। हम बड़े बड़े खड्ढे हो गए और खड्ढे भी इतना भयानक खड्ढे हैं कि इसमें बाइक सवार बड़े बड़े वाहन का यहाँ से आना जाना है और कभी भी एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इन गड्ढों को भरने के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन खड्डों के बारे में उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से ये मुमरा बाईपास है यहाँ पर लगातार खड्डे हैं और इस तरह से जो लोहे के छड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं, एकदम खराब है रास्ता। ये गाय का कुछ कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ पे, रोज हमको ऐसी परेशानी झेलनी पड़ती है। सर, वैसे भी हादसे होते रहते हैं मुमरा बाईपास पर, लेकिन जिस तरह से ये कई खड्डे ऐसे यहाँ पर हैं जो ऐसे लोहे के रॉड बाहर निकले, जो बाइक सवार लोग हैं उनके लिए भी काफी खतरे होते हैं। काफी खतरे होते हैं यहाँ पे, एक दो लोग चले भी जाते हैं, धीरे से निकल लेते हैं। बाइक सवार तो जो जाते हैं ये खड्डों को देख लीजिए, अगर इसमें कितने टैक्स लेते हैं पब्लिक से, लेकिन कुछ करते नहीं है। अगर ये खड्डा जिस हिसाब से छड़ निकला हुआ है, मतलब नीचे से भी वो पूरा का पूरा खराब हो चुका है। अगर निर्माण अगर अच्छा होता तो शायद ये ऐसा होता ही नहीं, ये इसका प्रूफ है। निर्माण अगर अच्छा होता, अगर अपने सरकारी अधिकारी अगर अच्छा काम करते तो शायद ये हादसे भी नहीं होते और ये पुल भी ऐसे नहीं होते। बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पे, तो पूरा सरिया निकल गया। रोज कोई ना कोई गाड़ी का टायर पंक्चर होता है, टायर फट जाता है, बहुत तकलीफ होता है। और यहाँ पे ट्रैफिक जो लगता है गड्ढों की वजह से, हमको रोज मेरे बच्ची को स्कूल लेके जाता हूँ, रोज का आधा पौना घंटा बस इधर ही चला जाता है, मुमरा देवी से लेके यहाँ के यहाँ, बहुत दिक्कत है। सर, जिस तरह से कहा गया था कि मुमरा बाईपास जो है चकाचक हो गया है, अब यहाँ पर हर चीज रहेगा, लेकिन जिस तरह से ये सरिये निकले हुए हैं रोड से, ये बाइक सवारों के लिए भी एक खतरा साबित हो सकता है। उस परसों एक्टिवा वाला गिर गया मेरे सामने यहाँ पे, छोटा एक्टिवा वाला तो बहुत गिरता है यहाँ पे, बहुत बेकार है रास्ता। जिस तरह से चकाचौंध करने की बात ही की थी, ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ हुआ नहीं है। हाँ जी, ये तो बहुत ही रोड घटिया मटेरियल डाला हुआ है लगता है इसमें रोड में, क्योंकि इतनी जल्दी टूट गया। अभी तो ये रोड बनाया था, थोड़े दिन हुए हैं। हाँ जी, जिस तरह से खड्डे हैं अभी सरिया और ये सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो क्या हादसा होने का ऐसा डर है? बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से 24 घंटा चलती है। हाँ जी, बड़ी गाड़ियाँ तो 24 घंटा चलती है, हादसा होने का डर है। हमारा टायर खराब होने का भी डर है, क्योंकि टायर को सरिया लग गया तो वो फट जाएगा टायर है। पहले तो मंदी पड़ी हुई है, रोड का काम करवा नहीं रहे ढंग से। भाई साहब, रास्ता जो है काफ़ी, जबकि लास्ट ईयर ये बनाया है बट फिर भी ये इतना ख़राब हुआ है, काफ़ी दिक्कत होती है। और बाइक वाले के तो काफ़ी मतलब गिरने के चांस है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। रास्ते की क्वालिटी भी आप देखिए, बारिश की वजह से पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है। यहाँ से बाइक पे से गिरने के चांसेस बहुत है, क्योंकि जैसा आप देख रहे खड्डा भी हो चुका है और खड्डे के अंदर भी ये सारा मटेरियल दिख रहा है, खास करके रास्ते के बीचों बीच है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। नहीं, जिस तरह से बाइक सवार का यहाँ से आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस तरह से ये सरिया निकला हुआ है, पहिए में फंसने की वजह से गिरने के चांसेस है? गिरने के तो बहुत ही चांसेस है, अभी देखिए बचा के आना सकता है। आजू बाजू हैवी गाड़ियाँ भी है बहुत, तो इसके वजह से गिरने के काफ़ी चांसेस, ज़रा यहाँ वहाँ हुआ गिर के तो काफ़ी बहुत पूरा इसमें तो मतलब बहुत डैमेज होने का चांस है।
तो जैसा कि आपने सुना कि जो इस रास्ते से गुजरने वाले लोग हैं वो लोग इस बाईपास के निर्माण कार्य पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर गड्ढे हुए हैं और जो निर्माण कार्य में जो लोहे की रॉड सलिया जिसे कहते हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी तकलीफें होती हैं। जिस तरह से मुंब्रा बाईपास हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, लगातार इस मुंब्रा बाईपास से हादसे होने की खबरें सामने आती रहती हैं। ज़्यादातर हादसे जो है वो बाइक सवार जो है इस मुंब्रा बाईपास पर हादसों का शिकार होते हैं, लेकिन इस तरह के जो यहाँ पर गड्ढे हैं इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, कहीं ना कहीं ये एक बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्राइम टाइम्स, मुंब्रा।